नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिल से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप भी कोरोना वायरस या किसी भी वायरस से दूर रहना चाहते हैं तो आज का वीडियो ध्यान से सुनिएगा और फॉलो जरूर करिएगा। देखिए, कोरोना वायरस का पूरे देश में बहुत ज्यादा हल्ला मचा हुआ है, लेकिन आज मैं बात कोरोना वायरस पे नहीं बल्कि हर उस वायरस के बारे में करने वाली हूँ जो हमारे शरीर को इफेक्ट करती है, हमें बीमार करती है और बीमार के बाद हमें मौत तक लेकर जाती है। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम है हमारे शरीर के अंदर जो वायरसेस इतने जल्दी अटैक करते हैं? और वायरस के अलावा आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा, जब भी फोन करो या मिलो, कि हमेशा वो बीमार रहते हैं। कभी उनको सर्दी जुकाम, कभी उनको पेट की कोई प्रॉब्लम, ये सब चीजें उनको लगी रहती है। कभी निमोनिया हो जाता है, कभी चिकनगुनिया हो जाता है। तो ये सारे वायरस सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे शरीर में कब करते हैं? जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम अगर हमारा स्ट्रांग होगा तो कोई भी वायरस, सर्दी जुकाम ही क्यों ना हो या कैंसर, बहुत तरह के ऐसे भयंकर रोग हमें छू भी नहीं पाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे योग आसन और प्रेशर पॉइंट बताने जा रही हूँ जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आप खुद नोटिस करेंगे अपने अंदर बदलाव। आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, एक पावर आएगी। आप पूरा दिन जो लेजी फील करते थे ना, आप खुद फील करेंगे पहले और अब के बीच में अपनी बॉडी के अंदर होने वाले बदलाव। तो चलिए, लेकिन इन योग आसन को आपको डेली फॉलो करना है, बिल्कुल शांत माहौल में आपको करना है। या तो आप पार्क में करें या फिर अपने घर के किसी रूम में अलग करें, और अपने गैजेट्स को, प्लीज मोबाइल्स को, टीवीज को कुछ देर के लिए दूर रखें, क्योंकि जब से ये चीजें हमारे अंदर लाइफ में बहुत ज्यादा आई हैं तब से हमारी लाइफ बहुत ज्यादा हलचल से बच गई है। वो बिल्कुल हमारी तरफ फोकस ही नहीं कर पाते, टाइम नहीं दे पाते। मोबाइल के लिए आपके पास टाइम है, सब चीज के लिए टाइम है, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं है। तो खुद के लिए टाइम निकालें, तभी आप अच्छे से अपनी लाइफ को खुशहाल तरीके से जी पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले योग आसन की तरफ। पहला योग आसन है भस्त्रिका। भस्त्रिका में आपको क्या करना है, बिल्कुल आराम से बैठ जाना है। जरूरी नहीं आप प्रॉपर वो पोजीशन लेके बैठे, आलती पालती मारे, जैसे आपको कंफर्टेबल है आप उस आसन में बैठकर अपने हाथों की मुद्रा लीजिए। इस तरह से अपने उंगलियों को फोल्ड करिए और गहरा लंबा सांस लीजिए और उसके बाद उसको छोड़िए। ऐसा कम से कम आपको 4 से 5 दफा करना है। इससे आपके पूरे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन जाएगा और आपके सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे, और इससे सबसे बड़ा इफेक्ट आपके इम्यून सिस्टम पर आएगा जो स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलैक्स हो जाइए। अब बारी आती है दूसरे योगासन की, जिसका नाम है कपालभाति। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे योगासन की तरफ, जिसका नाम है कपालभाति। कपालभाति को करना कैसे है, इसके लिए आपने पेट को आपने अंदर सिकोड़ना है और अपनी सांस को बहुत अच्छे से लेते हुए नाक के द्वारा आपको बाहर फेंकना है। तो इस क्रिया को करने से क्या होता है, ये आपके वजन को कंट्रोल करता है, आपके फेफड़ों में, आपके ऑर्गन्स में अच्छे से ऑक्सीजन जा पाता है। ये आपके अगर बाल झड़ रहे हैं, आपको एजिंग आ रही है, ये सारे योगासन उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से आपकी हेल्प करता है। आपको उसके बाद डे बाय डे इन योगासन के अपने टाइमिंग्स इंक्रीज करने हैं, तो इससे आपका इम्यून सिस्टम तो अच्छा होगा ही होगा और शरीर के बहुत रोग जो आप सोचे भी नहीं होंगे वो दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कपालभाति करना। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे योगासन की तरफ, जिसका नाम है अलोम विलोम। अलोम विलोम में हमें क्या करना है, एक तरफ से अपने नाक के द्वारा सांस लेना है और दूसरी तरफ से हमें सांस छोड़ना है। तो चलिए इसको फॉलो करते हैं। मैं अपनी इस वीडियो में हर आसन को बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कर रही हूँ, लेकिन आपको इसके टाइमिंग इंक्रीज करने हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा बताने का पर्पस सिर्फ आपसे यह है कि आपको मुद्राएं क्लियर हों, उनके फायदे पता हों और आप उनको रोजाना की जिंदगी में शामिल कर लें। अब हमारा अगला योग आसन है भ्रामरी। भ्रामरी में हमें क्या करना है, जैसे भंवरा आवाज निकालते ना,
इस तरह से हमें साउंड करना है। ये आपके ग्रंथि पे, जो आपकी थायराइड ग्रंथि, उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। आपके अंदर एक वाइब्रेशन होता है, आपके ऑर्गन ठीक से काम कर पाते हैं और जितना भी आपका इम्यून सिस्टम है वो बहुत बढ़िया हो जाता है इसको करने से। तो इसके लिए आपको कैसे करना है, अपने कानों पे अंगूठा रखना है, उंगलियों से अपनी आंखों को हल्के तरीके से प्रेशर देना है, बहुत हल्का, और इस तरह से आपको रिलैक्स हो जाइए, आंखें खोल लीजिए। इसका जितना देर आप प्रैक्टिस करेंगे, मतलब जितनी देर आप सांस रोक कर आप ये साउंड क्रिएट कर पाएंगे, उतना ही आपको लगेगा आपके कान बंद होंगे, आसपास का आपका कोई शोर नहीं जाएगा, आपको एक अलग सी शांति महसूस होगी। जो आपके अंदर एक हलचल मची रहती है, बेचैनी, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारा स्ट्रेस जो हमें रहता है, वो सारा इससे दूर होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले योगासन की तरफ, जिसका नाम है उद्गीत। इसके लिए हमें क्या करना है, इसी तरीके से सुखासन में बैठ जाना है, हाथों की मुद्राएं लेनी है आपने। अगर आप इस उंगली को प्रेशर देते हैं तो ये आपका वात प्रभाव को कम करती है, तो इस तरीके से आप थंब से इसको प्रेशर दीजिए। इस मुद्रा में बैठ जाइए और आपने ओम को जाप करना है। ओ रिलैक्स हो जाइए, आंखें खोल लीजिए। ओम का उच्चारण और ये सारे योगासन ये आपके पूरे शरीर पर इफेक्ट देते हैं, आपकी स्किन पे जल्दी से एजिंग नहीं आने देते। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपका मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये सारी तकलीफों को अच्छे से दूर करते हैं और सबसे बड़ी बात आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इन योगासन के साथ अब बारी आती है हमारे एक और आखिरी प्रेशर पॉइंट की। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको जल्दी जल्दी बीमार नहीं होना, तो इसके लिए आपकी जो रिंग फिंगर होती है, इस पर आपको अपने अंगूठे से प्रेशर देना है। इस तरीके से आप कम से कम इसको 10 से 12 बार प्रेशर दीजिए और दिन में जब भी फ्री हो इसको आप प्रेस करते रहिए। ये आपकी बहुत अच्छे तरीके से इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद एक प्रेशर पॉइंट हमारे यहाँ होता है कलाई और इस कोहनी के बीच में, यहाँ पर आपने अंगूठे से प्रेशर देना है। ये जो प्रेशर पॉइंट होता है ये भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ये प्रेशर पॉइंट बहुत इफेक्टिव है, लेकिन आपको इनको अपनी रोजाना जिंदगी में शामिल करना है। एक दिन करेंगे, चार दिन नहीं करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं। ये ऐसी चीज है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो भी आप इनको अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आज जाना कि कोरोना हो या कोई भी वायरस हो, अगर हम ये चीजें फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली हमें कोई भी वायरस और आने वाला फ्यूचर में कोई भी वायरस हमें एटलीस्ट इफेक्ट नहीं कर पाएगा और हमारे अंदर कोई डर नहीं होगा और हम बेखौफ अपने घर से बाहर कदम रख पाएंगे। तो अपने बच्चों को भी इस योगासन की आदत डालें, शुरू से वो ये चीजें करेंगे तो उनकी लाइफ में बहुत अच्छे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करिएगा, बहुत इफेक्टिव वीडियो है, बहुत लोगों की जिंदगी को अच्छा बना देगी। लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।